मैं अभी जा रही हूँ स्टेशन और ये है थर्ड ऑटो जिसमें मैं बैठी हूँ। एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करूँ। अभी बज रहा है दोपहर के 12:30 और अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ा सिलचर। क्यों जा रही हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी कुछ ही देर में मैं निकल जाऊंगी, मैं और मम्मी, तो चलते। अभी ना मैं और मम्मी रिक्शा में बैठ गए और अभी जा रहे, तो चलिए चलिए चलते। अभी ग्लास लगा लेती हूँ, पहले लुक्स परफेक्ट, तो चलिए चलते अभी। A few moments later. रिक्शो से उतरने के बाद हम लोग ऑटो पे चढ़ गए थे और ऑटो से जा रहे थे। उधर जाके हमें 3 ऑटो चेंज करना पड़ा स्टेशन पहुंचने के लिए। इतना मतलब बार बार ऑटो चेंज कर रहे थे हम लोग। मैं अभी जा रही हूँ स्टेशन और ये है थर्ड ऑटो जिसमें मैं बैठी हूँ। रुको जरा, सबर करो। 3 ऑटो चेंज करने के बाद फाइनली हम पहुँच गए सिलचर रेलवे स्टेशन। वाव मतलब एक स्टेशन पहुँचने के लिए हमें 3 ऑटो चेंज करना पड़ा, बाप रे। अभी आप भी थोड़ा मेरे साथ सिलचर का स्टेशन देख लीजिए, हमारे सिलचर का रेलवे स्टेशन। वाओ हालांकि पटरी थोड़ा गंदा है बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। आई मीन मैंने मैनेज किया था। अभी भी ट्रेन नहीं आया, ये प्लेटफॉर्म 1 है शायद। थोड़ा हम उधर जाके घूम के आते हैं। अभी दोपहर है ना, इसलिए शायद ये थोड़ी देर बाद सब कुछ ओपन होगा। लेकिन आइसक्रीम आज चलो देखिए तो अमूल, चलो लेट्स गो। उधर एक अमूल का दुकान, इतना इस घर का लाइट उतना अच्छा नहीं है, उधर ये सुंदर ये वहाँ से क्या होता है। एक लो सब थ्रीश है, लाल गुला चलो एक लो सब थ्रीश। ये लिया है मैंने, अभी अभी खाऊंगी। खा लिया और अभी मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन के आने का। लेट्स वेट। स्टेशन में आई अपने जीजू को लेने और ये रहा मेरा जीजू। ये अभी हम जा रहे हैं घर, तो चलिए घर में जाके बात करते हैं। ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है और अभी उधर खड़े हैं। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे शाम के 5:30 और मैं घर आई थी 4 बजे। बहुत ज़्यादा बारिश था इसलिए हम लोग रास्ते में रुक गए थे कुछ वक्त के लिए और फिर घर आके थोड़ा फ्रेशन अप हुई, खाना खाया और अभी मैं जस्ट सोचा कि थोड़ा वॉक करती हूँ। इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा बारिश तूफान। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर की हालत, ये देखो।
एंड मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब अपलोड होगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है कि गाइज मेरा एग्ज़ाम है 5 तारीख से, तो मैं कुछ वीडियो बना के रख रही हूँ स्टॉक में ताकि आप लोग को मैं दे सकूँ, मैं अपलोड कर सकूँ एग्ज़ाम के टाइम। तो ये ब्लॉग कब अपलोड होगा मैं श्योरली नहीं बता सकती। तो चलिए अभी जाके मंदिर खोल लेते। पूरा पूरा गंदा हो गया पूरा, देखिए इतना ज़्यादा, देखिए हे भगवान, भगवान के सारे चीज़ें भी इधर से उधर हो गया। अरे देखिए मतलब इतना ज़्यादा तूफान दिया, मैं तो पूरा भीग गई थी, मैं क्या ही बता, मैं पूरा भीग गई थी। हालत देखो गाइस, हालत देखो आप, क्या हालत बना दिया है इस एक तूफान ने, देखो क्या हालत बना दिया, पूरा पूरा मतलब इधर से उधर पूरा हो गया। देखो जो रूफ है ना पूरा, इसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हमारे यहाँ तो मतलब थोड़ा सा बारिश होता है तो करंट का कोई अता पता ही नहीं होता। शाम भी हो गया बट करंट अभी तक नहीं आया, कंटिन्यू नहीं कर पाई। और शाम को मम्मी ने ये बनाया था, मतलब मछली बनाया था, फिश करी, उसी का क्लिप मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। मैं वीडियो का एंडिंग करना भी भूल गई, तो आज का वीडियो यही तक का है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।